कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से संबंधित एक जमीन सौदे में लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस घोटाले पर जवाब देना चाहिए और उच्चतम न्यायालय को इसकी निगरानी करनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। मीडिया से बातचीत करते हुए रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि भगवान श्री राम आस्था के प्रतीक हैं, पर भगवान राम की अलौकिक नगरी अयोध्या नगरी में श्री राम मंदिर निर्माण हेतु करोड़ों लोगों से एकत्रित चंदे का दुरुपयोग और धोखाधड़ी महापाप घोर और अधर्म है, जिसमें भाजपा ही नेता शामिल हैं। वहीं सुरजेवाला ने बड़ा दावा किया कि जमीन की रजिस्ट्री के दोनों कागज पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी अनिल मिश्रा गवाह के तौर पर मौजूद हैं। दोनों कागजों पर दूसरे गवाह भाजपा के प्रमुख नेता और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय हैं। इसका मतलब साफ है, 2 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ 50 लाख रुपए की कैसे हो गई और इसे खरीदने का निर्णय क्यों लिया गया, इसकी पूरी जानकारी राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के न्यासियों को थी। आगे उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल दागते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को इसका जवाब दे देना चाहिए। क्या भगवान श्री राम की आस्था का सौदा करने वाले पापियों को मोदी जी का संरक्षण प्राप्त है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम पर इतना बड़ा कदाचार भाजपा नेताओं ने कैसे किया? अब आगे देखना होगा कि क्या सरकार इस मुद्दे पर कुछ कहती है। जुड़े रहिए SPN9 न्यूज से। धन्यवाद।